हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैभव शर्मा और आज हम बात करेंगे अपने करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे पूछा गया है, अभी रिसेंटली न्यूज में था कि 18th लोकसभा स्पीकर इलेक्टेड हुए हैं, इनमें से कौन है जो अभी आपके 18th लोकसभा स्पीकर इलेक्टेड हुए हैं। के सुरेश, ओम बिरला है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो अभी आपके 18th लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, जो कि दोबारा री इलेक्ट हुए हैं सेकेंड टर्म पे, और ये सेकंड टर्म पे री इलेक्ट होने वाले 6 पर्सन हैं। इससे पहले 5 जो स्पीकर हैं वो री इलेक्ट हो चुके हैं सेकंड टर्म के लिए। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ओम बिरला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ओम बिरला ने ये पोजीशन जो होल्ड की है ट्वाइस, दूसरी बार, तो ये कौन से प्लेस पे है, 6th प्लेस पे। इससे पहले 5 लोग दो दो बार स्पीकर की पोजिशन को होल्ड कर चुके हैं और ये री इलेक्ट हुए हैं। तो आइए थोड़ा जान लेते हैं स्पीकर के बारे में। तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 में इसका प्रोविजन दिया गया है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का। ठीक है, जिसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बोलते हैं, इसको उपाध्यक्ष बोलते हैं, इसको अध्यक्ष बोलते हैं। ओके, तो स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल आपका क्या है, हेड ऑफ हाउस होता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर थोड़ा जाने तो आपका 1921 में ये ऑरिजिनेट हुआ था स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो ये जो एक प्रोविजन था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्फोर्ड रिफॉर्म में दिया गया था, वहां से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद ये आपका स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, स्पीकर एज अ प्रेसिडेंट एंड डिप्टी स्पीकर एज अ डिप्टी प्रेसिडेंट, ये पोजीशंस थी। ठीक है, नोमेनक्लेचर थे उस टाइम। और ये कब तक नोमेनक्लेचर है, 1940 तक इनसे बोला इनको नोमेनक्लेचर ये रहे। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया और ये नोमेनक्लेचर चेंज कर दिए गए, प्रेसिडेंट को दोबारा स्पीकर एंड डिप्टी प्रेसिडेंट को यहाँ पे डिप्टी स्पीकर के नाम से बोला जाने लगा। क्राइटेरिया की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड करता है स्पीकर शुड बी मेंबर ऑफ द हाउस, मतलब स्पीकर है वो हाउस का मेंबर होना चाहिए। हाउस मतलब लोअर हाउस, लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। और भी कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इनके क्राइटेरिया को लेके बात नहीं करता है। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो यहाँ पे स्पीकर होल्ड ऑफिस कर सकता है डेट ऑफ जब से वो इलेक्ट हुआ है और वहां तक फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेक्स्ट लोकसभा, मतलब 5 ईयर तक ये अपना ऑफिस होल्ड करता है। और स्पीकर को दोबारा री इलेक्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि री इलेक्ट नहीं होता, जैसे प्राइम मिनिस्टर री अपॉइंटमेंट होता है उसका, प्रेसिडेंट री इलेक्ट होता है, ठीक है, वैसे स्पीकर भी री इलेक्ट हो सकता है। ठीक है, कितनी भी बार भी, जरूरी नहीं है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन नहीं है कि यहाँ 2 ही बार री इलेक्ट होगा, 3 बार, ऐसा नहीं है। ठीक है, मेनी टाइम्स। इसके बाद अगर लोकसभा डिजोल्व भी हो जाती है, लोकसभा भंग भी हो जाती है, तो स्पीकर अपना जो जो पोजिशन है वो क्या करेगा, वैकेंट नहीं करता, वो खाली नहीं करता अपना ऑफिस। वो कब तक कंटिन्यू रखता है, जब तक न्यूली इलेक्टेड लोकसभा नहीं आ जाती है। ठीक है, तब तक अपना ऑफिस होल्ड करके रखता है वहां पे अपनी पोजिशन। तो यहाँ पे कौन इलेक्ट हुए हैं, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, बी ओम बिरला साहब। तो ये भी चीज याद रखना, 18th लोकसभा स्पीकर है। दिस इज ऑल्सो फॉर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कलिब्र क्रूज मिसाइल के बारे में पूछा गया है और रिसेंटली ये न्यूज में थी। और किस कौन सी कंट्री द्वारा डेवलप की गई है, चाइना द्वारा, जापान द्वारा, या इंडिया द्वारा, या रशिया द्वारा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को देखिए, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे देखो, रशिया ने क्या किया, ब्लैक सी में इसकी एक फ्लीट थी, फ्लीट मतलब एक जत्था था इसका, मतलब एक, ठीक है, वहां से इन्होंने क्या किया, कलिब्र क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया और टारगेट किसको किया, यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, यूक्रेन पर इसने टारगेट किया इस मिसाइल को। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये मिसाइल। अब कलिब्र क्रूज मिसाइल के बारे में बात कर लें तो ये लॉन्च वेरियस प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है, जैसे कि एंटी शिप, एंटी सबमरीन, लैंड अटैक रोल्स, मतलब ये लैंड से भी अटैक की जा सकती है, सबमरीन से भी अटैक कर सकते हैं इसको, एंटी शिप शिप से भी इसको अटैक किया जा सकता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके वॉरहेड, इसके साइज की बात करें तो ये कितना साइज, मतलब ये रेंजिंग है, तो ये 1300 किलोग्राम से लेके 23rd kg तक ये कैरी कर सकती है। इसके बाद इसकी रेंज 200 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं रशिया के बारे में। तो ब्लैक सी देखिए, ये रशिया से एक कोस्टल लाइन शेयर करता है, काफी लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन बनाता है। ठीक है, और ब्लैक सी का ही पार्ट है यहाँ का अजोब सी, अजोब सी और ब्लैक सी के बीच में एक नैरो पासेज होता है, ये काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है कर्च स्ट्रेट। कर्च स्ट्रेट, कर्च संधि बोलते हैं, जल संधि या बोलते हैं इसको, कर्च स्ट्रेट, जो कि आपका सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी के बीच में देखने को मिलता है। और ये वाला जो पार्ट है ये क्रीमिया है, डिस्प्यूटेड एरिया था, क्रीमियम। ठीक है, ये आपका ऊपर यूक्रेन रहा, रशिया के नीचे आपको साउदर्न पार्ट में जॉर्जिया देखने को मिलेगा। ब्लैक सी कितने
से बाउंड्री अपनी कोस्टल लाइन बनाता है, तो यूक्रेन से बनाता है अपनी कोस्टल लाइन, इसके बाद यहाँ पे रोमानिया से बनाता है, बल्गारिया से बनाता है, इसके बाद टर्की से बनाता है, जॉर्जिया से बनाता है, रशिया से। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव जो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देख लो। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, कैलिब्र क्रूज मिसाइल किसने डेवलप किया है, रशिया ने डेवलप किया है। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, हाल ही में उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है एक बायो प्लास्टिक पार्क को सेटअप करने के लिए, किस डिस्ट्रिक्ट में ये सेटअप करेंगे, मथुरा में, आगरा में, लखीमपुर खीरी में, सहारनपुर में। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, देखते हैं इसका आंसर। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक स्टैब्लिश करेंगे बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ पे, ये कुंभी विलेज लखीमपुर खीरी में इसको क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे। तो ये किससे किसके लिए है, तो ये कॉम्बैट करेगा जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वहां पे होता है, इन सब चीजों के लिए इस बायो प्लास्टिक पार्क को क्या किया जा रहा है, एस्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, अब बायो प्लास्टिक होता क्या है, बायो प्लास्टिक ये बनती है आपकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से जिनको दोबारा रिन्यू किया जा सके, ठीक है, डिकम्पोज किया जाए क्विकली, जो डिकम्पोज हो जाए, जिनको डिकम्पोज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो अपघटन में, ठीक है, इको फ्रेंडली हो। तो इको फ्रेंडली कब होंगे, जब इनको किसके अल्टरनेटिव के बेस पे यूज किया जाएगा, पेट्रोलियम बेस्ड जो प्लास्टिक बनती है उसकी, अब उसको, अब जो भी जैसे आपकी पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक है, पॉलीथीन है या वो, ये इनको क्या है, इनको डिकम्पोज होने में काफी लंबा समय लगता है, 500 ईयर समथिंग लगते हैं एक पॉलीथीन को डिकम्पोज होने में। तो इसलिए बायो प्लास्टिक क्या है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे 100,000 हेक्टेयर की जो लैंड कवर करेगा, और कॉस्ट इसकी 2,000 करोड़ रहेगी, और ये डेवलप किसके द्वारा किया जा रहा, बलरामपुर चीनी मिल और यूपीएडा जो एक मिनिस्ट्री है, नोडल एजेंसी है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, उसके द्वारा डेवलप किया जा रहा। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका स्टेट हो जाता है, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट में ये किया जा रहा है, या स्टेट वाइज पूछ लेगा आपको। तो ये रहा आपका लखीमपुर खीरी, जिसके ऊपर में नेपाल है और इधर आपका उत्तराखंड है, तो नेपाल से अपनी एक बाउंड्री शेयर, लैंड बाउंड्री शेयर करता है। लखीमपुरी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा लखीमपुर खीरी में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा लखीमपुर खीरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेवरा माइंस के बारे में बात कर रहा है, गेवरा माइंस रिसेंटली न्यूज में थी और ये किस स्टेट में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, कर्नाटक में है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, देखते हैं। तो हाल ही में मार्च 2024 में क्या हुआ, गेवरा माइंस जो कि छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, इनको एक एशिया की सबसे लार्जेस्ट कोल माइन का एक टाइटल मिलने वाला है, ठीक है, गेवरा माइंस को। तो ये किसका पार्ट है, ये एक कोल इंडिया की सब्सिडरी है, सहायक एक माइंस है, ठीक है, और ये किसका पार्ट है, साउथर्न ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का पार्ट है। इनको हाल ही में माइंस रिसीव, ये एनवायरमेंट क्लियरेंस का टाइटल इनको मिला, सर्टिफिकेट मिलेगा मिला है, और जिससे इनकी प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगी। अब अभी तक प्रोडक्शन कितनी है, 52.5 मिलियन टन करती थी पर ईयर, अब 70 मिलियन टन पर ईयर करेंगी, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो ग्रीवा माइंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोकेशन वाइज आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो ये कहाँ पे, ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगी, ये रहा छत्तीसगढ़, ठीक है, कि नॉर्दर्न पार्ट में देखने को मिलती है ग्रीवा माइंस, तो कहाँ पे मिलेंगी आपको, छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आपकी यूनियन गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप की है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किस चीज को लेके, कि जो ट्राइबल विलेज है वहां पर इंटरनेट सर्विस की कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके। तो केंद्र सरकार ने ऐसा किया है, तो केंद्र सरकार जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की है, इसरो के साथ की है, आईएलओ के साथ की है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ की है, यूनेस्को के साथ की है, ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से क्या हुआ, पार्टनरशिप की गई है इसरो के साथ। इसरो क्या करेगी, डिप्लॉय करेगी बी सैट स्टेशन, बी सैट ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है, इसको डिप्लॉय करेगी। अब इसको डिप्लॉय क्यों करेगी, इसका उद्देश्य ये है, इसका एम ये है डिप्लॉय करने का, कि यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके एसेंशियल जो सर्विसेज हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, जैसे कि विलेज में इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, एजुकेशनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके, आजकल आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड की जा सके वहां पे, ये अभी कोई भी वहां पे फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने इसरो के साथ पार्टनरशिप किया है। तो ये कौन कौन से 80 ट्राइबल विलेज हैं, जहां पे झारखंड का है, एमपी के हैं, उड़ीसा के हैं, महाराष्ट्र के, तो ये चीज याद रखना, आपसे क्वेश्चन वाइज पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर हमारा होगा इसरो। तो चलिए आज के 5 क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो इस चैनल की जो पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और इस तरह हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।